नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल मोंटी 82 चक्रवर्ती एस्ट्रोलॉजी एंड होम रेमेडीज के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ जनवरी 2017 धनु राशि का कैसा जाएगा। लग्न में बुधादित्य योग बना हुआ है, आपके चेहरे में एक अलग तरह की चमक बनी हुई है जिस वजह से आप दूसरे लोगों को काफी अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे। आप दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे जिस वजह से आपके सारे काम धीरे 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 बनते चले जाएंगे। आपके कर्म स्थली पे आपका पराक्रम काफी अच्छा और भरपूर बना रहेगा जिससे कि आप जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल सटीक और परफेक्ट तरीके से होगा। दशम भाव में बैठे हुए हैं गुरु यानी बृहस्पति, वे समसप्तक दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं जहाँ पे काफी अच्छा सुख बना हुआ है। आपको जनवरी का महीना काफी सुख और शांति से बीतेगा। प्रेम प्रसंगों की बात करें तो प्रेम प्रसंगों में मधुरता बनी रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, किसी भी तरह का कोई भी अपशब्द ना कहें जिससे उन्हें बुरा लगे। अगर आप संयम से चलेंगे, सही तरीके से बात करेंगे तो प्रेम प्रसंग अच्छे तरीके से चलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय जाने वाला है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को थोड़ा कम समय दें क्योंकि उनके कर्म में वो इतने ज्यादा व्यस्त होंगे कि वो एक दूसरे को सही तरीके से समय नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा दोनों में बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। आपके कर्म स्थान पे इस महीने एक प्रमोशन दिख रहा है या आप किसी दूसरे जॉब के बारे में अगर सोच रहे हैं तो जॉब चेंज कर सकते हैं। एक अच्छे जॉब मिलने की उम्मीद बनी हुई है, अगर आप कोशिश करें तो आपको एक नया और अच्छा जॉब मिल सकता है। तो जनवरी का महीना अच्छे से एंजॉय कीजिए, जनवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। और जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता हो वे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वहां भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपके भविष्य के बारे में आपको और अच्छी तरीके से जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।